सुना तुम्हें क्या हुआ है? मैंने जॉब छोड़ दी, ये मेरी बकिया सैलरी। खुश आमदीद। शुक्रिया हैरी। आपकी शर्ट पर क्या हुआ? मत पूछो यार, एक पागल लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। क्या मतलब? कोई ऐसी बात नहीं है, फिक्र मत करो। माहिरा कहाँ है? माहिरा अपने वक्त पर सो गई है। ठीक है, शुक्रिया, आज शाम फिर से तुमने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं, इस बहाने मेरी अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है, पेट भी अंदर हो जाएगा। निजात साहब, क्या आपकी बीवी वापस आएंगी यहां पर? बदकिस्मती से वो नहीं आएगी। आइलैंड में बात कर रहा हूं निजात। हमारी बेटी को इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम जो चाहो मैं करूंगा, कम से कम एक बार कॉल कर लो मुझे। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। हर रात सोने से पहले हमेशा मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। बदकिस्मती से वैसा नहीं हो पाया जैसे मैंने सोचा था। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साल मैं तुम्हारी सालगिरह पर नहीं आ सकूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रही हूँ जो तुम्हें बे इंतहा पसंद आएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी प्यारी बेटी, प्लीज़ उदास मत होना, क्योंकि अगर तुम उदास हो गई तो मैं ज़्यादा उदास हो जाऊँगी। याद रखना कि अम्मी तुमसे बे इंतहा प्यार करती हैं, तुम्हारी अम्मी।
अंकल मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं उनके हाथों में नहीं आऊंगी, मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। बेटा रुक जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है, रुक जाओ माहिरा। आप मुझे नहीं पकड़ सकते अंकल, मुझे नहीं पकड़ सकते, अगर आप मुझे पकड़ सकते हैं तो मैं मान जाऊंगी आपको। बेटा स्कूल के लिए तैयार भी होना है। नहीं पकड़ सकते। बेटा कहा तो है मैंने, तुम्हारे बाबा तुम्हारे उठने से पहले काम पर चले गए, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। खत अंकल, अम्मी ने कुछ लिखा है इसमें, पढ़िए ना प्लीज, जोर से पढ़िए ना प्लीज। मेरे ख्याल में अगर तुम्हारे बाबा तुम्हें इसे पढ़कर सुनाए तो ज्यादा बेहतर है। क्यों, ये सही नहीं रहेगा? क्योंकि तुम्हारे बाबा ने इसे अपनी टेबल पर रखा है तो वही पढ़कर सुनाएंगे, हो सकता है उन्होंने इसलिए इसे यहाँ पर रखा हो ताकि वो खुद पढ़कर सुनाए। इसे मैं रख लेती हूँ, जब बाबा आएंगे तो वो मुझे सुना देंगे। ऐसा ना करो, बल्कि इसे मैं खुद रख लेता हूँ, जब तुम स्कूल से वापस आओगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, फिर बाबा से सुनना। नहीं, मैं इसे खुद संभालूंगी। मैं निजात बात कर रहा हूँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? माफी चाहता हूँ, इतने अरसे के बाद मैंने तुम्हें सुबह सुबह परेशान कर दिया, सब ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ शुक्रिया। देखो मुझे आयलन से फौरन कॉन्टेक्ट करना है मायरा के लिए, मेरे पास उसका नंबर तो है जिस पर मैं कॉल कर रहा हूँ, पर वॉइस मेल पर जा रही है कॉल। क्या मायरा को कुछ हुआ है? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मैं तुम्हें तफसील से बाद में बताऊंगा, फोन पर ज्यादा बात नहीं हो सकती। वैसे निजात, मेरी भी आइलैंड से आखिरी बात 3 साल पहले हुई थी। ठीक है समझ गया, लेकिन ये बहुत जरूरी है, मुझे हर हाल में आइलैंड को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। आपा, आपा, ये सब क्या है? और क्या हो सकता है, तुम्हारी बहन का जहेज है ये। तो तुम क्या ढूंढ रही हो इसमें से? ऑनलाइन बेच रही हूँ मैंने, सुबह से बेच रही हूँ, आधे तो बिक भी गए हैं, शाम तक ये सारे बिक जाएंगे देखना तुम। लेकिन तुम बेच क्यों रही हो ये? जरा ये पकड़ो, बाबा बैंक से लोन लेने के लिए गए हुए, अब पता नहीं कितने पैसे मिले, इसलिए एहतियातन ये कर रही हूँ, कुछ तो हो। तुम्हें क्या लगता है वो कॉफी शॉप बचा लेंगे? मुझे वाकई नहीं मालूम। रिफत अपनी गाड़ी बेच रहा है जानती हो, खरीदार भी मिल गया उसे। उस खटारा गाड़ी को कौन खरीदेगा? देखो तो जरा, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, लाइन लग गई है, इसलिए तो मुझे इंटरनेट से इतना प्यार है। आपा तुमने इसके लिए कितनी मेहनत की थी, कैसे बेच सकती हो ये? अगर कॉफी हाउस हाथ से निकल गया तो इन चीजों की क्या अहमियत रह जाएगी, उस जगह से हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, ये चीजें बाद में ले लेंगे, उसके कोने कोने में हमारी यादें बसी हुई हैं। तुम दिल छोटा मत करो सोना, मैं फिर से अपना जहेज बना लूंगी, देख लेना तुम, सिर्फ अपना जहेज नहीं तुम्हारा भी बनाऊंगी, सच में। आपने मुझे बुलाया था? तुम्हारी दोस्त ने कल हमारी बहुत बेइज्जती करवाई है और हमारी पूरी शाम बर्बाद कर दी, अब तुम ये फूल लेकर निजात साहब के पास जाओगी और उनसे कल के वाक्य के लिए माफ़ी मांगोगी। अब तुम कोई भी बहाना बनाओ मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी बगैर किसी बदमजगी के। आप बेफिक्र हो जाए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब जाओ। ठीक है। हेलो, मैं सोना,
आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं अब वो शॉप नहीं ले सकती, मैंने सोचा आपको बता दूँ। मैं जी जी माफ़ी चाहती हूँ मैं। हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ जा रहे हो तुम? अपनी यूएसबी केबल ढूंढ रहा हूँ। क्या तुमने उठाई है? तो कल की रात कैसी गुजरी? क्या क्या तुम लोगों ने? एक जगह गए थे, वहाँ से दूसरे पार चले गए। हाँ, मुझे यही उम्मीद थी। वैसे सुनना क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं। शर्माने की जरूरत नहीं है, जो भी पूछना है खुल के पूछो। यही जानना है ना कि निजात ने क्या क्या किया? तुम इस दुनिया की सबसे ज्यादा सेल्फिश, केयरलेस और बदतमीज इंसान हो। और मैं ये उस वक्त बन जाता हूँ जब तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करता। तो क्या कुछ गलत कह रही हूँ? निजात और मेरे अलावा तुम्हारे और कितने दोस्त हैं? यहाँ तक कि तुम्हारे असिस्टेंट्स भी तुम्हें एक हफ्ते से ज्यादा नहीं झेल पाते। सुबह सुबह यही बातें सुनने को रह गई थी। और कुछ भी है दिल में तो साफ साफ कह दो। क्या हो रहा है? होना क्या है, ये मोहतरमा कह रही है कि मेरे असिस्टेंट मुझे एक हफ्ता नहीं झेल सकते। तुमने भी तो अपनी असिस्टेंट बदली है ना? मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी असिस्टेंट उम्मीद से है और वो छुट्टियों पर है, फिर भी वो मेरे साथ 5 साल से काम कर रही है। बस बहुत हो गया, तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। बदतमीज। हाँ दे, सब कुछ ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक। क्यों? बहुत परेशान हूँ मैं आजकल, कल रात के लिए माफी चाहता हूँ मैं तुमसे। कोई बात नहीं, शायद एलन यहाँ ना आ सके। सोच रहा हूँ ये बात माहिरा को कैसे बताऊं। मायरा अपसेट हो जाएगी, मगर परेशान मत हो, मुझसे जो हो सका करूंगी मैं। उसकी सालगिरह अच्छी गुजरेगी। शुक्रिया, मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है। निजात साहब, दानिया साहिबा ने आपके लिए ये भेजे हैं। कल रात के लिए वो बहुत शर्मिंदा है। कल जो भी हुआ मैं उसे भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा याद मत दिलाइए। आप बिल्कुल हक पर हैं, आपका गुस्सा जायज है। जो हुआ उसे भुलाने में ये मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इसे कबूल कर लें। आयशा जी, लाए मुझे दें। निजात साहब, वैसे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो लड़की सोना, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम साथ में काम करते हैं। सोना? सोना वही कल रात वाली लड़की जिसने वो सब कुछ। हाँ, वही लड़की जिसने कल मेरी बेइज्जती की थी, मुझ पे हमला किया था। उसने मेरे ऊपर ड्रिंक फेंकी और मुझे मारने की कोशिश की, उसी की बात कर रहे हैं ना हम? हाँ, हरगिज नहीं, सोना असल में ऐसी लड़की नहीं है। निजात साहब, अगर आप उसे जान जाए ना, तो आपको वो एक फरिश्ता सिर्फ लड़की लगेगी। कल क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कॉफी हाउस उसके लिए बहुत अहम है। ठीक है, अगर आप वो कॉफ़ी हाउस खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको उससे रोकूंगी नहीं, लेकिन इस सब को लेकर सोना क्या महसूस कर रही है वो बताना चाह रही हूँ। एक सेकंड, खरीदने से क्या मुराद है? आप कॉफ़ी हाउस खरीदना चाहते हैं ना? वो कॉफ़ी हाउस खरीद के मुझे क्या करना है? हमें वहाँ एक कमर्शियल शूट करना है, बस इसीलिए मैंने उस जगह का इंतखाब किया था, जिसका मुझे बहुत पछतावा है। तो आप उस जगह पर कमर्शियल शूट करना चाहते थे? जी हाँ। अगर आपको कोई और बात नहीं करनी तो मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। एक दफा फिर आपसे माफी मांगूंगी, और आपने मेरी बात सुनी उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ कहो। कहाँ हो सोना? मैं कॉफी शॉप जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। रुको रुको, एक मिनट, बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ? वो आदमी याद है जिसपे तुमने अटैक कर दिया था? हाँ। वो तुम्हारा कॉफी हाउस खरीदना नहीं चाहता था, बल्कि कमर्शियल शूट करना चाहता था वहाँ पर। ये क्या कह रही हो तुम? अभी उसके पास जाओ और उससे माफी मांगो, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देगा। और इस तरह वहाँ से मिलने वाले पैसों से हम कॉफी हाउस बचा सकते हैं।
मैंने उस आदमी को इतना बुरा भला कहा, अब मैं उससे क्या कहूंगी? मुझे नहीं मालूम, कुछ भी कह के उससे माफी मांग लो। अब रखो फोन, मैं तुम्हें ऑफिस की लोकेशन भेज रही हूँ। ठीक है भेजो, मैं पहुंचती हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर असिस्टेंट के तौर पे आई हूँ, राइट? असिस्टेंट? हाँ, मेरे लिए कप कॉफी लेकर आओ, और चाहो तो अपने लिए भी ले आना, फिर हम बात करते हैं। कॉफी और मैं? हाँ, थोड़ा जल्दी। अच्छा, ओके। हाँ। और हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया कि मुझे पिछले साल की कैटलॉग ढूंढ के दो। वो मैं ढूंढ लूंगी। ओके, लेकिन हाय अल्लाह। क्या तुम्हारी अम्मी वाकई अफ्रीका से वापस आएंगी? हाँ, वो आएंगी। वाकई अगर ये तुम्हारी अम्मी ने लिखा है तो उसे पढ़ने दो ना। जानते हो ये क्या है? ये मेरी अम्मी का लिखा हुआ लेटर है, और ये इस बात का प्रूफ है। दिखाओ मुझे। लाओ ये मुझे दो। मुझे ये वापस करो, मैंने कहा ना मुझे मैं दो। ये बिल्कुल नहीं दूंगा, ये मेरा कार्ड है, मुझे वापस दो। अगर तुम्हारी अम्मी ने ये वाकई लिखा है तो पढ़ने में क्या मसला है? मेरा कार्ड वापस आइए, मेरा कार्ड दो। हमें भी पता चले क्या लिखा है उन्होंने। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो तुम लोग? मुझे समझ नहीं आता तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम इसे दो पढ़ने के लिए। ऐसा करो, ये तुम पढ़कर सुनाओ। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। दिन रात मैं तुम्हें ही सोचती रहती हूँ, और हो सके तो अपनी अम्मी को माफ कर देना, क्योंकि इस बार तुम्हारी अम्मी तुम्हारी सालगिरह पर नहीं आ सकेंगी। लेकिन मेरी जान, उदास मत होना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भेज रही हूँ, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। अम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इस सालगिरह को खुशी से मनाओ। उदास मत होना अम्मी की जान, अगर तुम उदास होगी तो अम्मी भी उदास हो जाएंगी। अम्मी का बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए। देखा, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आएंगी। तुम झूठी हो, तुम झूठ बोलती हो हमसे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठे तुम हो, एक नंबर के झूठे हो। झूठी बात सुनेगा? माफी चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, बात सुनिए, मुझे काम है। लेकिन हांदे साहिबा को मत बताना इस बारे में। बात सुनिएगा। माफी चाहती हूँ मैं, दरअसल बहुत अजीब वाक्य पेश आया है। सारकान साहब मुझे असिस्टेंट समझ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे अपने लिए कॉफी और लास्ट ईयर की कैटलॉग लाने के लिए कहा। जी बस अभी आई मैं। अब क्या हुआ? आप बता दें, मैं लेके जा सकती हूँ। ठीक है। ये रहे पिछले साल के कैटलॉग, और किचन उस तरफ है। माफ करना, मुझे अभी जाना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आयशा, कार रेडी है क्या? जी बिल्कुल, आप जाएं, मैं कॉल कर देती हूँ। मैं माहिरा के स्कूल जा रहा हूँ, कोई जरूरी काम हो तो कॉल कर देना। जी ठीक है। हाँ कहो। कहाँ हो तुम? जा रहा है वो। हाँ ठीक है, बस मैं पहुँच गई। ठीक है, जल्दी करो, परेशान होने की जरूरत नहीं तुम्हें, उस आदमी का नाम निजात है। अच्छा ठीक है। ठीक है भाई, अब बस यहीं साइड पे रोक दे। निजात साहब, मैं माफी चाहती हूँ आपसे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास अभी वक्त नहीं। निजात साहब प्लीज मेरी बात सुने, हमारे बीच में जो गलतफहमी हुई थी मैं उसकी वजाहत देना चाहती हूँ, प्लीज मुझे एक मौका तो दीजिए आप। निजात साहब, बस ठीक है, सब खामोश हो जाएं। मायरा कहाँ है? माफी चाहती हूँ, वो अभी तक नहीं मिली। क्या मतलब नहीं मिली? उसकी अपने दोस्तों से लड़ाई हो गई थी अपनी अम्मी को लेकर। प्रिंसिपल साहिबा वो सिक्योरिटी कैमरास चेक कर रही हैं। इसी बिल्डिंग की किसी कमरे में छुपी हुई है मायरा। बेहतर होगा कि आप उसे जल्दी ढूंढें। मैडम, बात सुने मेरी। पता चला है कि मायरा ने खुद को वॉशरूम में बंद कर दिया है, जल्दी आ जाएं। Thank you.
मायरा, मायरा, तुम सुन रही हो मुझे? मुझे आपसे बात नहीं करनी। इसकी चाबी है क्या? नहीं सर, ये दरवाजा अंदर से ही खुल सकता है। सुनो मेरी जान, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। मैं किसी को देखना नहीं चाहती। अम्मी ने लिखा है कि वो नहीं आएंगी। आपने मुझे नहीं बताया, मुझे झूठ बोला। माहिरा के किसी दोस्त ने वो लेटर पढ़ के सुना दिया है उसे। उसमें ये लिखा हुआ था कि उसकी अम्मी उसकी बर्थडे पे नहीं आएंगी, इसलिए मायूस हो गई मायरा। अच्छा ये बताओ कि वो लेटर तुमने मेरी टेबल से उठाया है? अम्मी ने लिखा है इसमें कि वो नहीं आएंगी। मगर वो लेटर तो बहुत पुराना है। तुम उदास ना हो जाओ, इसीलिए नहीं बताया। तुम्हें याद है ना तुम्हारी अम्मी ने पिछले साल क्या लिखा था? उन्होंने कहा था ना कि वो उस साल नहीं आ पाई, लेकिन इस साल तुम्हारी बर्थडे पर जरूर आएंगी, और तुम ये सुनकर खुश हो गई थी ना? क्या तुम भूल गई ये? माहिरा, तो क्या अम्मी आएंगी? वो जरूर आएंगी बेटा, वो आएंगी तुम्हारे लिए, वो जरूर आएंगी। बस अब रोना बंद करो। शाबाश, ठीक है मेरी जान। अजय, अपने लिए कॉफी लेकर नहीं आई? नहीं, मुझे नहीं चाहिए थी। अच्छा बैठो, बैठ जाओ। बैठ जाती हूँ मैं। तो तनख्वाह के बारे में बात हो गई? नहीं, मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हाँ, क्योंकि पहले हम दोनों का एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? बुर्जू। बुर्जू बात सुनो, दरअसल मुझे मुस्तकिल रहने वाली असिस्टेंट की तलाश है, दो दिन में छोड़ने वाली नहीं। वैसे मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। ठीक है, तो 3,000 सैलरी डन। 3,000? तनख्वाह के अलावा खाने पीने और कन्वेंस के भी पैसे देते हैं। ठीक है, 3,500 कर लेंगे, और जैसे ही एक साल पूरा हो जाएगा तो 25% सैलरी में इजाफा होगा। 25%? हाँ बिल्कुल। अच्छा वाकई में? हाँ हाँ। ठीक है, एक बात पूछना चाहूंगी मैं, क्या सिर्फ मुझे आपको असिस्ट करना होगा, सही समझी मैं? हाँ बिल्कुल, सिर्फ मुझे ही असिस्ट करना है। तो डील डन? जी ठीक है। मुबारक हो। जाओ। शाबाश है तुम पर, तुमने मेरी कॉल तो उठाई। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि क्या हुआ है? तुम बताओ सब कुछ कैसा रहा? बिल्कुल बात नहीं हो सकी उससे, उसने तो रुककर मेरी बात तक नहीं सुनी। क्या पता वो सोच रहा होगा मैं कहीं कोई पागल वागल तो नहीं। वैसे वो ठीक ही सोच रहा है। बुर्जू। आ रही हूँ मैं सारकान साहब। वैसे तुम हो कहाँ? अरे यार पूछो मत, यूँ समझो एक मौजजा हुआ है, नौकरी मिल गई है। बाद में सारी तफसील बता दूंगी, अभी जाना है मुझे। ओके बाय। आ जाओ मेरी जान। अंकल हा? जो कल लेटर आया था ना, वो पुराना था। कल मेरी अम्मी मुझसे मिलने जरूर आएंगी। हाँ ये तो अच्छा हो गया, अच्छी बात है। भूख लगी है क्या? खाना खाओगी? हाँ हाँ जरूर। ठीक है तो चलते हैं। मैं भी आता। ठीक है। हाँ कहो क्या बात है। हेलो निजात, कैसे हो तुम? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आइलैंड का पता चला कुछ? मुझसे पूछे तो उसको ढूंढना बंद कर देना चाहिए तुम्हें। देखो अगर आइलैंड किसी और के साथ है तो मुझे बताओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ माहिरा की खुशी की फिक्र है, जो कुछ भी पता चला है बताओ मुझे। आखिरी बार जब उसे देखा था तो किसी छोटे बच्चे के साथ थी वो, मायरा की उम्र से छोटा बच्चा था कोई। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। बाबा ये बात सुनकर गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे? मुझे नहीं मालूम। बाबा आ रहे हैं। बाबा। हाँ क्या बात है बेटा? बाबा हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ
तो क्या बात करनी है? बैंक लोन लेने गए थे, क्या हुआ उसका? लोन अप्रूव नहीं हुआ। वाकई? कल मैं जाकर इस्माइल से मिलूंगा। मैंने उसका बहुत साथ दिया है, यकीनन वो मेरी मदद जरूर करेगा, पीछे नहीं हटेगा। इंशाल्लाह बाबा जान, इंशाल्लाह। बाबा ये रखें। नहीं बेटा। रख ले बाबा, आप और इस जगह से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। मैं फिर से जमा कर लूंगी, ठीक है? अभी हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलना है। और ये मेरी तरफ से, मैंने इंटरनेट पे सेल करके बहुत सारे पैसे कमाए हैं। वो कहते हैं ना कि हर चीज में कोई ना कोई मसलियत होती है, तो सही कहते हैं लोग। अब मेरी फिक्र करना छोड़ दे, मुझे अपना काम मिल गया है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा, इंशाल्लाह। और ये मेरी तरफ से बाबा, मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। वैसे आम तौर पर वो 15,000 तक की बिक जाती, लेकिन हम थोड़ा जल्दी में हैं तो मैंने वो 9,500 की बेच दी। कहीं मजाक तो नहीं कर रहे ना? क्या सच में अपनी गाड़ी बेच दी तुमने? क्यों, इसमें कोई हर्ज है क्या? हर्ज तो कोई नहीं, लेकिन हैरत हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है। मेरे पास भी कुछ रकम जमा है, अगर बाकी की रकम मुझे इस्माइल से उधार मिल गई तो ये कर्ज हम जरूर उतार देंगे। मैं जरा किचन चेक करना चाहती हूँ। रिफत। जी बाबा, कहिए। बेटा जरा मेरे साथ आओ और आकर मदद करो मेरी। हाँ, तो फिर चले, मैं ये पैसे ले जाता हूँ। यार तुम लोगों की फैमिली वाकई में कितनी जबरदस्त है। हमारी वजह से तुमने अपना ख्वाब कुर्बान कर दिया सोना। अरे आपा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दुआ करे सब ठीक हो जाए। एक बात सोच रही हूँ कि अगर वो आदमी हमारा कॉफी हाउस किराए पे ले लेता है तो हमें किसी से पैसे मांगने की जरूरत पेश नहीं आएगी। सोचो जरा, 1,50,000 लीरा किराया दे तो। वाह, इतनी बड़ी रकम वो कैसे देगा? ऐसी फजूल बातें मत करो, ऐसा भी नहीं हो सकता। देखो तो जरा, इतना अच्छा मौका हाथ आया था, हमने खुद खो दिया उसे। वैसे भी इतनी देर हुई नहीं है, क्यों ना कल जाके अपनी किस्मत आजमा लो। ऐसा मुमकिन नहीं, कल ऑफिस बंद है। निजात साहब की बेटी की सालगिरह है, इसलिए सबको छुट्टी दी है और कल घर पर बुलाया है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां किसी को नहीं जानती हूँ। अभी चली जाओ ना। हाँ वैसे ये सच में बहुत अच्छा मौका है, अभी चली जाना चाहिए। क्या हो गया है, मैं इस वक्त कैसे जा सकती हूँ? मुझे वहां देखकर वो पागल ही ना हो जाए। सोना, मुश्किल हालात में कुछ भी कर गुजरता है इंसान, और इस वक्त हमसे ज्यादा मजबूर और कौन हो सकता है? आपा तुम समझ नहीं रही, वो मुझे किस नजरों से देख रहा था। वो बहुत ही घमंडी और मगरूर इंसान है, अगर उसने मुझे कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो एक चमाट लगाने में देर नहीं लगेगी मुझे। हाँ, इतनी अनापरस क्यों हो, क्या मसला है इसके साथ? बिला वजह उस आदमी को बुरा भला कहा, और मुझे लगता है कि उस आदमी की शख्सियत काफी पुरकशिश है। तो हर कोई अच्छा लगता है, ऐसा भी कुछ नहीं उसमें। बस चुप हो जाओ। हाँ, और तुम्ही ने तो कहा था ना कि वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है। जो बीवी का नहीं वो किसी का भी नहीं। तुम्हें उसके धोखा देने से क्या गर्ज है सोना? क्या तुम उस आदमी से शादी करना चाहती हो क्या? हाँ। मेरी जान, जरा अकल से काम लो। मैंने अपने जहेज का सामान बेचा है, जहेज का, और तुम्हारी अना ही खत्म नहीं हो रही। अरे जहेज की बात नहीं है आपा, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो पता नहीं क्या हो जाए। तुम वहाँ जाकर बिल्कुल मासूम बन जाना और बात क्लियर कर देना। कहना कि निजात साहब आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारा कॉफी हाउस रेंट पे ले लेते हैं तो हम आपका एहसान जिंदगी भर याद रखेंगे। हाँ ना, क्या वो मेरी बात सुनेगा? सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा मेरी जान। सुबह की बात बताना तो भूल ही गई, मैंने एक केक इंटरनेट पे डाला था, उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ऐसा करना कि तुम अपने साथ वो ले जाना, और उसकी बेटी का क्या नाम है बताना। माहिरा। ठीक है, बात खत्म, बस हैप्पी बर्थडे माहिरा लिख देना, बहुत खुश हो जाएगी वो। उफ, इसकी शक्ल देखो जरा। अब तुम सो जाओ बेटा। सो जाऊंगी, और जब उठूंगी तो अम्मी आ जाएगी ना? उसके लिए तो सोना पड़ेगा। बाबा, मैं अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपसे भी करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो अब गुड नाइट। गुड नाइट पापा।